The number of points on the line 3x plus 4y plus is equal to 5, which are at a distance of sec square theta plus 2 cos square theta from the point 1 comma 3 is. तो सबसे पहले हमें एक line given है, हमें एक random line given है, ठीक है? This is line है ना? और हमें एक random point भी given है, which is 1 comma 3. अब हमें given है कि इस point से, इस line पर sec square theta plus 2 cos square theta, where theta is a variable, distance पर कितने point होंगे, है ना? तो अगेन अगर हम यहां से देखेंगे तो सिंपली क्या बोलते हैं ये एक हमारे पास में क्या होगा अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करो तो इससे मुझे इसकी मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी ठीक है तो ये मेरे पास में मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी तो मिनिमम डिस्टेंस मैं कैसे निकालता हूं तो मिनिमम डिस्टेंस को अगर लेट्स में बोलता हूं इक्वल टू d तो d निकालने का हमारे पास में एक फार्मूला होता है हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं पॉइंट को तो आ जाएगा 3 1 4 3 माइनस में क्या जाएगा हमारे पास में माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 5 अपॉन में आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज 5 बिकॉज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25 एंड रूट ऑफ 25 इज 5 और ये वैल्यू आ जाती है 2 तो मींस मिनिमम डिस्टेंस क्या है 2 तो d इज इक्वल टू 2 आ गई हमारी मिनिमम डिस्टेंस नाउ अब हमें बताने कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं है ना तो अगेन हम देखेंगे हमारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा तो अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2 sec square theta को लिख देता हूं मैं 1 plus tan square theta and रहेगा 2 plus 2 cot square theta है ना ये वैल्यू क्या है हमारी डिस्टेंस है अब ये वैल्यू क्या आती है इनडायरेक्टली ये वैल्यू आती है 3 plus tan square theta plus 2 cot square theta नाउ अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं हमें tan square theta plus 2 cos square theta की मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे am greater than gm यूज करते हैं तो यहां से हमारे पास में आएगा tan square theta plus 2 cot square theta है ना इसकी हमारी क्या होगी ये आ जाएगा by 2 is always greater than or equal to geometric mean क्या आ जाएगा इसका tan square theta into 2 cot square theta की पावर 1 by 2 है ना तो यहां से क्या जाएगा tan square theta into cot square theta तो 1 हो जाएगा root 2 तो indirectly इसकी maximum value क्या जाएगी ये value हो जाएगी tan square theta plus 2 cot square theta is always greater than or equal to क्या जाएगा 2 root 2 तो means हम ये बोल सकते हैं कि ये value क्या हो जाएगी हमेशा greater than or equal to क्या जाएगी 3 plus 2 root 2 हो जाएगी तो again अगर हम देखेंगे तो अगर minimum distance इसकी 2 है तो यहां से अगर हम एक ऐसे random line draw करें ऐसे एक random line ऐसे तो ये जो लाइन होगी एटलीस्ट कोई ना कोई एक लाइन तो हमारी होगी क्या बोलते हैं जो 3 plus 2 root 2 डिस्टेंस पे होगी लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है इस तरीके से है कि ये 3 plus 2 root 2 डिस्टेंस पे क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो अब हमें पता है थीटा की वैल्यू जैसे-जैसे और बढ़ेगी तो ये वैल्यू इंक्रीज ही होती जाएगी और हमें पता है इनफाइनाइट तक जा सकती है तो मींस इस पॉइंट के आगे के सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इधर भी sec square theta plus 2 cos square theta को सेटिस्फाई करेगी तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं जिसकी डिस्टेंस sec square theta plus 2 cos square theta की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी